प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। नगरी आगरा के सेल्फी पॉइंट पर मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। सेल्फी पॉइंट पर एसपी रेलवे मुस्ताक अहमद ने किया ध्वजारोहण। अलीगढ़ के सीएनजी कार में लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला कार सवारों ने कार से उतरकर बचाई जान। और एम आवास विकास जन कल्याण समिति द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के लगाए नारे। बदायूं में ग्राम गोरामई का रहने वाला युवक के ग्राम बेलहरी की लड़का के साथ लेकर हुआ फरार, परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में ट्रक कार की भिड़ंत, तो दो की मौके पर मौत, तीन गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में भर्ती। बुलंदशहर के NH91 पर तेज रफ्तार ट्रक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। ट्रक की खिड़की पर एक शख्स लटकता हुआ है। अलीगढ़ में एक बार फिर दबंगई का मामला आया सामने, ट्रैक्टर से टक्कर मारकर कार को किया चकनाचूर, लाइव वीडियो वायरल। गाजियाबाद में दिन निकलते ही महिला से दो बाइक सवार युवक ने कान के कुंडल लूटकर हुए फरार, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। कानपुर में बारिश के कारण अपार्टमेंट का पिलर धंसने से मचा हड़कंप, पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट को कराया खाली। महाराजगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर घर वितरित किया तिरंगा, लोगों से की अभियान को सफल बनाने की अपील। अलीगढ़ में नियंत्रित ट्रक ने कारों को रौंदा, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में आजादी के 75वें महोत्सव पर तिरंगा रैली का किया गया आयोजन, रैली को पूर्व कैबिनेट मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। मुरादाबाद में महिला दरोगा से मारपीट का वीडियो वायरल, मानसिक रूप से कमजोर युवक ने की पिटाई, करबला पर ड्यूटी कर रही थी महिला दरोगा। अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल का हुआ चुनाव, चुनाव को लेकर व्यापारियों में देखा हर्ष का माहौल। गाजियाबाद हिंडन छठ घाट पहुंचे आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह, कहा सरकार से कोई उम्मीद ना रखे, स्वयं ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए। प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाक घरों में मिलने लगा राष्ट्रीय ध्वज, जुटने लगे लोगों की भीड़। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाजपा नेत्री ने ठेले वालों को वितरित किए तिरंगे झंडे, नीतू ने बताया कि मोदी जी के अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य। संभल में इमाम हुसैन की याद में निकला आलम जुलूस, मुहर्रम पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। सुल्तानपुर में जमनी विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, हत्या के आरोपी भतीजे ने खुद किया पुलिस के सामने सरेंडर। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, औद्योगिक इकाइयों से अवैध वसूली करने वाला शातिर ठग को किया गिरफ्तार। संभल में बदमाशों ने चाचा भतीजे पर लाठी डंडों और चाकू से किया प्रहार, घटना में चाचा भतीजे बुरी तरह घायल। गुंडा में खेत के मामले को लेकर दबंगों ने दो लोगों को जमकर पीटा, घटना में एक की हुई दर्दनाक मौत, वहीं दूसरे की हालत गंभीर। अंबेडकर नगर में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर निकाली गई तिरंगा बाइक रैली, पुलिस हर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया गया। अमेठी पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, रेफरल हॉस्पिटल में कोविड बूस्टर डोज का किया शुभारंभ, राज्य मंत्री ने लगवाई कोविड बूस्टर डोज। अररिया में तेज बारिश से नगर के कई सड़कों पर हुआ जलमग्न, तकरीबन एक घंटे से हो रही जोरदार बारिश से पालिका की खुली पोल। अयोध्या में 44 अवैध प्लॉटिंग करने वालों की जारी की गई सूची, भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के नाम शामिल। बुलंदशहर में रोडवेज डिपो के परिचालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, बस में लावारिस मिला रुपयों से भरा बैग परिचालक ने मालिक को सौंपा। चंदौली में पुलिस चौकी के सामने ट्रक चालक की सिर कुचलकर हत्या, घटना से इलाके में सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।
लखनऊ में दोस्तों संग गोमती में नहाने आए तीन किशोर की मौत, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीन शव को निकाला बाहर। गोंडा में पुलिस और बदमाश मुठभेड़, दर्जन भर मुकदमों में वांछित चल रहा था शातिर बदमाश बब्बू, मुठभेड़ में शातिर गिरफ्तार। बुलंदशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सियाना की लापरवाही के चलते चोर एम्बुलेंस लेकर हुआ फरार, अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस चालकों ने किया पीछा। उन्नाव में नशेबाज भाई ने भाई की हत्या की, जमीन बेचने से मना करने पर भाई बना भाई की जान का दुश्मन, आरोपी भाई फरार। बुलडोजर चलाकर तोड़ दी मजार, आगरा में गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, पुलिस छावनी में तब्दील हुई अपार्टमेंट। मेरठ में पिता ने बेटी की मर्डर की दी सुपारी, किलर से लगवाया जहरीला इंजेक्शन, 1,00,000 रुपए में किया था जान का सौदा। टूरिस्ट बस में घुसा ड्राइवर की मौत, नेशनल हाईवे किनारे बस खड़ी का टायर बदल रहा था, बिहार का था चालक। झांसी महिला अस्पताल में कर्मचारी ने शराब पीकर किया डांस, सीएमएस चैंबर के बाहर साथी बजा रहे थे ताली, बोले इसे चखना खिला। चित्रकूट में युवक ने लगाई फांसी, मां पिता निमंत्रण में गए थे, जंगल में लटका मिला शव। अरे में प्राथमिक विद्यालय में परिसर में गोबर और गंदगी, प्रधान बोले कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। पेयजल समस्या पर भाजपा विधायक की गुहार, विधायक सुरेंद्र मैथानी की मांग को डिप्टी सीएम ने दी स्वीकृति, घनी आबादी को मिलेगी राहत। छत से गुजर रही विद्युत लाइन में चिपकी बालिका, गंभीर हालत में कराई अस्पताल में भर्ती, लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ रोष। गाजीपुर पहुंचे आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, लोगों को बांटे तिरंगा, अमृत महोत्सव से जुड़ने को किया प्रेरित, आयुर्वेद के फायदे बताए। शाहजहांपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 5 संदिग्ध, दहशत में ग्रामीण रात में सोने के बजाय जाग कर घरों की कर रहे हैं पहरेदारी। अंतिम संस्कार के दौरान चिता पर टपकने लगा पानी, परिजन बाल्टी से शव दाह कर पानी गिरने से रोक रहा, शमशान घाट का दाह स्थल है जर्जर। मथुरा में झगड़े के वीडियो वायरल, बांके बिहारी मंदिर में सेवाओं में हुआ विवाद, गोवर्धन में युवकों ने पुलिस कर्मियों की फाड़ी वर्दी। बागपत में स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटा, मोदी के नेतृत्व में भारत को हो रही जयकार। एटा के इस्लामनगर में टूटी पड़ी पुलिया, नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग, नहीं ले रहा कोई सुन। पीलीभीत में युवक को बीच सड़क पर गिराकर लातों से मारा माधव टांडा में रंजिश के चलते वारदात, पहले लाठी से पीटा, बेशुद्ध होने तक करते रहे हमला। कौशाम्बी में मुहर्रम पर्व को लेकर निकला सातवीं का जुलूस, सांप्रदायिक सौहार्द सहित अकीदत मंद उमड़े, कर्बला के सातवें शहीद कासिम को किया याद। मुजफ्फरनगर में आकाशीय बिजली गिरने से ढहा मकान, मां बेटे की मौत, मुजफ्फरनगर में देर रात हुआ हादसा, मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालत। ललितपुर में प्रेमिका से शादी के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी, युवती के पहुंचने पर उतरा, शादी के खिलाफ उसी टावर पर चढ़ा प्रेमी का जीजा। बारिश के नगर निगम के कार्यालयों में घुसा पानी, फिरोजाबाद में सुबह से हो रही बारिश, दो पहिए और चार पहिए वाहन में डूबे। मोहम्मद में बदमाशों ने साईं बाबा का सोने का मुकुट लूटा, पुजारी बोले दोनों युवकों ने उससे कराई पूजा, प्रसाद के रूप में खिलाई नशीला पदार्थ मिलाकर रसमलाई। गाजियाबाद में मासूम सवाल के निर्देशक पर एफआईआर, पोस्टर में सेनेटरी पैड पर श्रीकृष्ण का चित्र दिखाया, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना का किया विरोध। मेरठ में पटरी पर दौड़ने लगी देश की पहली रैपिड रेल, दुहाई डिपो के अंदर स्टैटिक ट्रायल शुरू, दिसंबर तक होगा डायनेमिक ट्रायल। गोंडा में बूस्टर डोज का महाअभियान शुरू, जिला अस्पताल समेत 16 सीएचसी पर लगा कैंप, 18 साल के ऊपर लोगों को लगाई वैक्सीन। अमरोहा में करंट की चपेट में आकर किसान की मौत, घर में कर रहा था बिजली का काम, बारिश के कारण तार में उतरा करंट। हजरत कासिम की याद में निकला मेहंदी का जुलूस, लोगों ने किया मातम, पुलिस ने कस्बे में भ्रमण कर शांति व्यवस्था करने की अपील की। हाथरस में बाइक का चालक ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत, सिटी रेलवे स्टेशन के सामने हुआ हादसा। गोंडा में पुलिस कर्मियों ने चलाया सफाई अभियान, हाथ में लिया झाड़ू फावड़ा, स्वच्छता अभियान चलाकर किया सफाई।
बाराबंकी में सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों के बीच हुई टक्कर, ड्राइवर को आई चोट। बलिया में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव, स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक, लगाए भारत माता की जय के नारे। लखीमपुर में धौरहाग में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई एकड़ जमीन को अपने आगोश में लिया, बाढ़ खंड बचाव कार्य में जुटा। भदोही में ट्रेलर और डीसीएम की टक्कर, हादसे में डीसीएम चालक की मौत, तेज रफ्तार में था ट्रेलर। फतेहपुर में मुहर्रम का मातम, अकीदत के बीच तीन पलंगों का, दो स्थानों पर हुआ मिलाप, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। अमरोहा में उबड़ा कांवरियों का सैलाब, कई हजार श्रद्धालुओं ने भरा ब्रज घाट से गंगा जल, कल भगवान शिव का करेंगे जलाभिषेक। बिजनौर की बेटी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया सुसाइड, ससुरालियों की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस दे रही दबिश। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में एसएसबी के जवानों ने बाइक से निकाली जागरूकता रैली, हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी के जवानों ने निकाली रैली। लखनऊ में एग्जाम में नकल रोकने पर छात्र ने टीचर को पीटा, शिया कॉलेज के छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर साथ की हाथापाई, प्रोफेसर के मदेगंज थाने में ली तहरीर। बुलंदशहर में चकबंदी कानून को और चपरासी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में रिश्वत की रकम बांटते दिखे चपरासी। चंदौली में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को छोड़कर मौके से हुआ फरार। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी के पास पलटी 108 एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पलटने से चालक की गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर के कप्तानगंज चेयरमैन को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में राज्यपाल ने पद से किया बर्खास्त, प्रमाण पत्र के आधार नगर पंचायत का लड़ा था चुनाव। श्रावस्ती में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने चौरस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला किया दर्ज। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने दो को रौंदा, एक की मौत, नाराज लोगों ने मानीराम रेलवे स्टेशन पर लगाया जाम, दूसरा घायल कोमा में। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।